हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट ज्ञान माय फेलो स्पेस ट्यूबर्स। सो रिसेंटली अ स्मॉल प्राइवेट रॉकेट कंपनी डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स कैपेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग इट्स फर्स्ट स्टेज थ्रू हेलीकॉप्टर। वैसे तो रॉकेट लैब के बारे में बताने के लिए एक अलग वीडियो बनेगी, कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको वो चाहिए तो। लेकिन अभी हम इस वीडियो में उनकी रिकवरी मेथड के बारे में ही बात करेंगे। सो आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे रॉकेट लैब इज प्लानिंग फॉर मिड एयर रिकवरी। इसमें दो हेलीकॉप्टर्स, एक हेलीकॉप्टर के पास डमी फर्स्ट स्टेज बूस्टर है जो कि वो सर्टेन हाइट से ड्रॉप करेगा। दूसरे हेलीकॉप्टर के पास हुक है थ्रू विच इट विल ट्राई टू ग्रैब द फर्स्ट स्टेज। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन ड्रिल थी जिसमें सिर्फ मिड एयर रिकवरी को दिखाया है। सो अब पहला हेलीकॉप्टर थोड़ा ऊपर जा रहा है एक सर्टेन हाइट तक, अब वो वहां से डमी फर्स्ट स्टेज ड्रॉप करेगा। एज यू कैन सी जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग द पैराशूट्स ओपन। इसमें जो साइड में छोटा पैराशूट जा रहा है उसको बलूट बोलते हैं एंड एक्चुअली डैट ओनली हेल्प्स इन कैचिंग द रॉकेट। अब दूसरा हेलीकॉप्टर उसके पास आकर उसकी स्ट्रिंग के थ्रू अपना हुक फंसाएगा एंड विल ट्राई टू ग्रैप इट, और ये इसने पकड़ लिया। बस अब कैच करने के बाद इट विल टेक इट टू द डिजायर्ड लोकेशन एंड विल लैंड इट सेफली। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इजंट द स्पेसएक्स डूइंग समथिंग लाइक दिस, व्हाई इजंट इट कैचिंग द फर्स्ट स्टेजेस थ्रू हेलीकॉप्टर। इसके कई फैक्टर्स हैं, व्हाई इज इट नॉट यूजिंग दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। अनलाइक स्पेस एक्स, रॉकेट लैब प्रोपल्सिव रीएंट्री नहीं करेगा थ्रू द एटमोसफेयर। प्रोपल्सिव रीएंट्री का मतलब होता है पहले की अपर एटमोसफेयर में इंजन का उल्टी डायरेक्शन में ऑन कर देना ताकि रॉकेट स्लो डाउन हो सके। रॉकेट लैब इंजन को ऑन नहीं करता है, और अगर स्पेस एक्स भी इंजन ऑन नहीं किया तो वो एटमोस्फेरिक एंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा ड्यू टू इट्स लार्जर डिजाइन। रॉकेट लैब स्मॉल सेट लॉन्चर है तो उसका साइज भी छोटा है। इफ वी डू द कंपैरिजन, फैल्कन 9 बूस्टर इज इक्विवेलेंट टू 10 स्टोरी बिल्डिंग व्हाइल दैट ऑफ रॉकेट लैब इज जस्ट अ 2 स्टोरी बिल्डिंग। सो ड्यू टू एनॉर्मस साइज वो रीएंट्री को सर्वाइव ठीक से नहीं कर पाएगा इवन इफ सम डिजाइन चेंजेस आर मेड। ऑल्सो इफ इट इज समहाउ एबल टू सर्वाइव द रीएंट्री, फिर भी इतना बड़ा हेलीकॉप्टर पहले आपको मैन्युफैक्चर करना होगा जो 10 स्टोरी बिल्डिंग को उठा के ले जा सके। स्पेसएक्स को 10 स्टोरी बिल्डिंग जिसका वेट ही 20 मेट्रिक टन्स है उसको रोकने के लिए काफी बड़ा पैराशूट चाहिए जो कि इटसेल्फ उस पे और वेट ऐड करेगा। सो इट वुड बी बेटर टू ऐड अ लिटिल बिट मोर फ्यूल फॉर प्रोपल्सिव लैंडिंग रादर देन एनॉर्मस पैराशूट। If somehow it survives re-entry and also they got an enormous parachute, if they can't catch it through helicopter, they can consider splashing down into the water and then recovering it. ये जिस स्पेस शटल के SRBs के साथ की थी नासा ने, जिसमें उन्होंने सॉलिड रॉकेट बूस्टर को पैराशूट के थ्रू वाटर में स्प्लैश डाउन कराया था, बट द डिजाइन ऑफ सॉलिड रॉकेट बूस्टर इज वे लेस कॉम्प्लेक्स देन लिक्विड फ्यूल बूस्टर जो कि फैल्कन 9 में यूज होता है। सो स्प्लैश डाउन के लिए स्पेसएक्स को फिगर आउट करना होगा कैसे दे कैन सेव देयर क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम वॉटर, इम्पैक्ट फोर्स एटसेट्रा। स्पेसएक्स को फर्स्ट स्टेज को प्रिसाइसली ड्रोन शिप पर एक एग्जैक्ट लोकेशन पर लैंड कराना होता है, which can't be achieved if they consider using parachutes. If उन्होंने ड्रोन शिप पर लैंड कराने के लिए पैराशूट्स का यूज किया क्योंकि स्प्लैश डाउन में प्रॉब्लम है तो स्पेस एक्स रॉकेट को प्रिसाइजली मनूवर नहीं कर पाएगा बिकॉज पैराशूट्स के साथ वेदर कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड विद सच अ स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर इट वुड बी नियर टू इम्पॉसिबल टू लैंड द रॉकेट विद पैराशूट एग्जैक्टली एट द ड्रोन शिप। सो स्पेस एक्स पैराशूट्स को यूज ना करके इफ दे आर एडिंग जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मोर फ्यूल एंड देन लैंडिंग इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, इट इज ग्रेट। स्पेस एक्स तो ये टेक्निक यूज नहीं करेगा, रॉकेट लैब ने क्या प्लानिंग, डिजाइन चेंजेस और क्या क्या प्रॉब्लम ओवरकम की है टू अचीव दिस माइलस्टोन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू रॉकेट ज्ञान, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फॉर मोर एक्साइटिंग अपडेट्स ऑन स्पेस साइंस। तब तक के लिए
दिस इज प्रियांशु रोहिला साइनिंग ऑफ. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. बाय बाय.